मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द सस्ता फूडीज। सस्ता फूडीज आज आपके लिए लाया है रोडवे पिज्ज़ा। भाई रोडवे पिज्ज़ा का जो है वो मसला मकसद ये है कि रोडवे जो स्ट्रीट फूड पे जो पिज्ज़ा लगता है ये लगता है बाइक पे मेरे भाई, ये तंदूर में बनता है पिज्ज़ा। और उसकी खासियत ये है कि लोग यहाँ पे रश इतना होता है। सबसे अच्छी खासियत जो है, सबसे बड़ी बात जो है वो है सस्ता पिज्ज़ा। इतना कम मुनासिब रेट है इसका कि हर बंदा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा पिज्ज़ा जो बंदा है आराम से पिज़्ज़ा लेके आ सकता है। जो स्मॉल प्राइस जो है उसके जो है वो है 120, और जो उसके मीडियम के प्राइस जो है उसके हैं 250 रुपये, और मेरे भाई जो लार्ज प्राइस जो है उसके 350 रुपये। और भाई इतना सस्ता, इतनी महंगाई के दौर में आपको कहाँ मिलेगा। तो भाई ये पिज़्ज़ा की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो कैसे मैरिनेट वगैरह होता है, ये कैसे बनता है, तंदूर में कैसे जाता है, मतलब इसकी टॉपिंग वगैरह सब चीज़ आपको दिखाते हैं। चले चलते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। जी वालेकुम सलाम। हाँ भाई माशाल्लाह से भाई यहाँ पे आप पिज्ज़ा विज्ज़ा लेके जा रहे हैं भाई, तो इसके बारे में, वो टेस्ट के बारे में बताएं कि यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा मशहूर चल रहा है। वैसे देख रहा हूँ काफ़ी कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि आप कब से लेके आ रहे हैं पिज्ज़ा। ये मैं काफ़ी देर से ये लेके जाता हूँ यहाँ से। ये सस्ता है और बहुत लजीज है, बहुत अच्छा है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मैं अक्सर यहाँ से ही लेके जाता हूँ अपने बच्चों के लिए ना। तो पैसे में भी थोड़ा ये मुनासिब है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो मेरे भाई और क्या चाहिए, महंगाई के दौर में बता रहे हैं भाई इतना सस्ता पिज्ज़ा है कि देखें माशाल्लाह से इनके देखें दो दो हाथ में पकड़े हुए और लेके आ रहे हैं इतने सस्ते पिज्ज़े में, और आपको क्या चाहिए भाई। बड़ी बात है और बताया कि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है भाई। अब हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से भाई। अब तो बहुत ही छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं यार, माशाल्लाह से बड़ी बड़ी बात है। देखो यार इतने छोटे भाई जो हैं यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये आप सबके लिए मोटिवेशन भी है पहली बात तो ये मेरे भाई, और दूसरी बड़ी बात देखो इतनी महंगाई के अंदर इतना भाई इतना सस्ता पिज़्ज़ा कैसे दे रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। तो मैं इनसे सबसे पूछता हूँ, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या हाल है मेरे भाई जान, पहले ये बताएं आपके। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। शर्मा क्यों रहे हैं आप? शर्मा रहा हूँ। शर्मा नहीं रहे भाई, थोड़ा सा हंसी आ रही है तो बस ये मसला है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जहन में कैसा आइडिया है इसके बारे में, मतलब कब से स्टार्ट करें लगाने का? तो एक साल हो गया लगाते हुए। तीन साल से लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये आइडिया किसके पास आया था, आपके कोई भाई हैं या? बड़े भाई के। बड़े भाई, बड़े भाई के पास इनका आइडिया आया था रोड पे पिज्ज़ा लगाने का जो है माशाल्लाह से भाई। और दूसरा ये कि भाई बड़ी तारीफ सुनिए, आप रश देख सकते हैं तो कितना रश लगा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह से भाई। रश बहुत है यहाँ पे, लोग आते हैं, एक रुकता है, टाइम नहीं था बात करने के लिए भाई। मैं बोल रहा है भाई थोड़ा सा बात कर लो यार, बस टाइम नहीं होता इनके पास, इतना रश होता है माशाल्लाह से। तो ये कि भाई हम थोड़ा ये पिज़्ज़ा देखें, आप देखने का भी निकालने का भी बने, मतलब काम में लगे हुए, मशरूफ माशाल्लाह से मशरूफ बहुत हैं ये। तो इंशाल्लाह इसका पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं और हम आपको बताते भी हैं कि वाकई यार ये इतने सस्ते में आप क्या खिला रहे हैं भाई, तो हर बंदे की यही सोच होती है। तो हम इनको टेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इनका पिज़्ज़ा कैसा है कैसा नहीं है। अब हम चलते हैं इनके पिज़्ज़े की तरफ। Thank you.
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई हमारा पिज्जा आ चुका है, आप यही सोच रहे होंगे भाई मैंने स्मॉल पिज्जा क्यों मंगवाया है। भाई स्मॉल पिज्जा मंगवाने का वजूहत दो है भाई। पहली तो देखें भाई, हमारा तो माशाल्लाह से पेट ऐसा फुल हुआ हुआ है कि अब गुंजाइश नहीं है खाने की, ज़ाया ना हो। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह कि देखो हमारा चैनल जो है वो है सस्ते के नाम से, सस्ता फूडीज चैनल हमारा नाम है, तो उसके उससे लिहाज से जो सबसे सस्ता पिज्ज़ा यही था मेरे भाई, 120 रुपए का पिज्ज़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं गरम गरम फुल टाइट गरम हो रहा है। बस मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये जो है लेयर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत गरम गरम हो रहा है। अभी तो लगा हाथ में पकड़े हैं तो मुंह में कैसे डाले आएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। केचप डालते हैं पहले इसमें, बाइट लेने आ रहे हैं आप। भाई आपको 120 रुपए में और क्या चाहिए भाई, एक बंदा आराम से पेट भर के आप खा सकते हो 120 रुपए में। भाई इसकी जो रोटी यूज की है बहुत ज़बरदस्त है, जो सॉफ्टनेस इसमें आ रही है, इसकी टॉपिंग वगैरह जो है बिल्कुल इक्वल है। इस महंगाई के दौर में भाई केचप वगैरह, चीज़, चिकन और भी काफ़ी सारी टॉपिंग जो हैं, मतलब कैसे यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी कि हम बाद में भी इसको पूरा हम करेंगे, व्लॉग हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इस वीडियो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये है कुरंगी नंबर 4 कलू चौक पे, जो है मशहूर रोड वे के नाम से पिज़्ज़ा है ये भाई, जहाँ रोड वे पे पिज़्ज़ा लगाते हैं। रोड वे का मतलब आपको मैंने दिखा चुका हूँ, ये किस में जो है बाइक के ऊपर, ये पूरा जो है पूरा प्रॉपरली जो बना हुआ है इसका इंतजाम है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे लाजमी आइएगा और रोड पे पिज़्ज़ा लाजमी खा के जाइएगा यहाँ पे आके, और हमें लाजमी इस वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। अल्लाह हाफिज़।